विदिशा के नगर पठारी में बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। ईदगाह पर मुफ्ती मोहम्मद आमिर ने ईद की नमाज पढ़ाई। ईद का त्यौहार दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे बड़े त्यौहार में से एक है। नौजवानों ने खीर बांटकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। आज ईद उल फितर है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक एक महीने के रमजान माह के बाद ईद का यह खुशियों भरा त्यौहार आता है। इस दिन लोग ईद की नमाज अदा कर अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं। साल में दो ईद होती है, एक ईद उल अजहा और दूसरी ईद उल फितर। ईद उल फितर को ही मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो लोग ईद के इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं और एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद देते हैं। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला एवं देश में अमन शांति भाईचारा बना रहे का त्यौहार है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। यह ईद कैसी रही? इस बार जो ईद मनाई गई है काफ़ी अच्छी रही। बच्चों में और लोगों में काफ़ी उत्साह रहा है। कोरोना काल के चलते पिछले दो वर्षों से ईद अच्छी नहीं हो पा रही थी। ईद ही क्या, और कई भी और जो त्यौहार थे वो अच्छे से नहीं मनाए जा रहे थे, लेकिन इस बार जो ईद मनाई गई है वो काफ़ी अच्छी रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।